सक्षम से और नीरजे ये नवम स्थान नीरजे तीनगढ़ शिक्षार्थी लाभ करते और नीरज मूर से पितृ मा से मैं नीरजर ऊर जा रहा पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कैसा लग रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली रैंक मिला है, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्ट नहीं किया था पर अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि रैंक मिला है। कभी सोचा था ये टॉप 10 में आएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर कभी नहीं सोचा था कि रैंक मिल जाएगा। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स, स्कूल के सारे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स भी। कैसे पढ़ाई किया था आपने एग्ज़ाम के पहले? मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया एग्ज़ाम के लिए, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता था पढ़ाई के नाम पर। मैं हमेशा छोटे छोटे गैप्स लेकर पढ़ता था, बहुत ज़्यादा खुद को मतलब एंगेज नहीं किया उतना, मतलब पूरे दिन में पढ़ाई नहीं करता था मैं, बीच बीच में थोड़े रेस्ट लेता था, कुछ और करता था, ये सब भी मैं करता था, इसीलिए मैं मतलब वैसे ही पढ़ता था। अभी आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करोगे और कहाँ पढ़ाई करोगे आप? मैंने अभी सोचा है कि आगे साइंस लूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, पर अभी देखता हूँ, अभी कुछ श्योर नहीं है कहाँ पर ले सकता हूँ, मैं बाद में डिसाइड करूँगा। अभी जो कोविड 19 से अभी सारा वर्ल्ड जहाँ पे हुआ है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज वहाँ पे कुछ भी नहीं माहौल ऐसा हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कोविड 19 डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मतलब महामारी है हमारे लिए, पर हम इससे डेफिनेटली बच सकते हैं। आज मेरे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर कोविड 19 के वजह से इतने सारे लोग को साथ में रहना ठीक नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली मेंटेन करके रखनी चाहिए, हमारे लिए ही अच्छा होगा ये चीज़। बस यही बोलना चाहता हूँ। पढ़ाई के अलावा और क्या आप करते हो, क्या हॉबी क्या है आपको? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, अदर इंडोर गेम्स भी खेलता हूँ, और मैं ऐसे स्कूल में जो फंक्शंस होते थे तो उसमें ड्रामा ये सब में लेता था मैं। ठीक है, धन्यवाद थकिल और नियोजर पितृ मा से मूलों सहित कथ पाव विचार मैं कब विचारिम जो नियोजर पितृ से एजन व्यवसायी और आठगढ़ जीत व्यवसाय आए और मैं नियोजर पितृ से जब विचारिम शुभेच्छा जाना पितृ हिसाब से यह साफल्य जी सन्ने लाभ कर प्रथम प्रतिक्रिया कि हाँ कब विचार মানে কোভিড 19-ৰ কাৰণে আপোনাৰ যি পুত্ৰই যি সাফল্য লাভ কৰিছে এই মোক ভাল লাগিছে, মই ভবা নাই মানে এইটো টপ 9 কৰিব বুলি, মই সদায় কৈ আছোঁ মেট্ৰিকৰ এক্সাম আছে, পঢ়ি থাক অলপ, সি খালি মোক আজি আপুনি জানে আজিকালি বাচ্চাবিলাক মোবাইল বেছি চাই থাকে, মই বাৰে বাৰে জনাইছোঁ মেট্ৰিকৰ এক্সাম আছে, অলপ পঢ়ি থাক, কিন্তু সি কৈছে নাই হ'ব, মই আপোনাক চিন্তা কৰিব নালাগে ইমান, মোক যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই গা ধুই আছোঁ, মোৰ মেছেজ কৈছে টপ 9 পাইছে, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, মোৰ চকুত পানী ওলাই গ'ল, তাৰপিছত মই নিজে দেখিছোঁ এইটো চিয়ৰ হৈ গ'লোঁ কি সি টপ 9 পাইছে, আৰু মই হেপী চাইল্ডৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু টিচাৰবিলাক ধন্যবাদ দিছোঁ কি সি স্কুলৰ নাম কৰিছে মোৰ ল'ৰাটো, মোক বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই 2 লাইন আমাৰ কোভিড 19-ৰ ক'বলৈ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ, আমাৰ অসমৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ এণ্ড ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, ই আমাৰ কাৰণে ৰাতি দিন এক কৰি আছে, আৰু কালি মই চাইছোঁ আমাৰ অসমত কেচ ইমান বঢ়ি আছে 2119 হৈ গ'ল, তেতিয়া মানুহবিলাক অলপ সাবধান থাকিব লাগে, এনে মিছা মিছি বাহিৰত ওলাব নালাগে, যেতিয়া কাম হ'লে তেতিয়া বাহিৰত ওলাব। ধন্যবাদ থাকিলে। মাতৃ আছে, এগৰাকী মাতৃ যিহেতু দায়িত্ব থাকে, আপোনাৰ মাক হিচাপে বহু গধুৰ দায়িত্ব থাকে সন্তানৰ মেট্ৰিক দিয়াৰ পৰা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে, কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিলে বা কেনেধৰণে আপোনালোকে আপুনি নিয়োজক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছিলে? মতলব মই উচক বলতি ৰাতি তি পঢ়ো পঢ়ো পৰ মতলব পঢ়াই মে পঢ় জব পঢ়তা থা তব পুৰা কনচেনট্ৰেট কৰতা থা পঢ়াই মে, এছে নি এনি টাইম ও পঢ়তে ৰতা থা বেছে নি থা উচকা, पर जब पढ़ता था थोड़ा थोड़ा देर के लिए बीच में उठते रहता था पढ़ते रहता था, इसका पर ध्यान देके पढ़ता था। हाँ जी, तो कोविड 19 के कारण स्कूल बंद, विद्यालय महाविद्यालय बंद, यार अलग फूर्ति एने उत्साह देखने पा ना अलग बेहद लगे नहीं मन सन्तान जी साफल्य लाभ करते तकलीफ होती है, जब सब मिलते हैं करते हैं तो अच्छा लगता है, पर उपाय भी नहीं है इसका तो कोविड 19 का। तो कैसे पढ़ाई किया था वो? वो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के पढ़ता था, एक साथ लगातार नहीं पढ़ता था, बहुत रात तक भी नहीं पढ़ता था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता था और बहुत रात तक भी नहीं पढ़ता था, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। धन्यवाद हिराक, धन्यवाद जानसो आपनक, और यह नीरज खेतानर अभिभावक नीरज खेतने निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे, नवम स्थान।